हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज अभी 2 मिनट पहले ही हम लोगों ने एक लाइव सेशन जो है कंडक्ट करवाया था जूनियर असिस्टेंट के रॉन्ग क्वेश्चंस को लेके। तो आपको बता दूं, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है उस हर एक एस्पिरेंट के लिए जिसने बहुत मेहनत करी थी एग्ज़ाम में, अगर अपना बेस्ट नहीं भी दे पाया था। तो आप लोगों को बता दूं, एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने जो है वो अब आ चुकी है। J&K और लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी गई है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट करी गई है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट और सिस्टम ऑफिसर सिस्टम असिस्टेंट के जो पोस्ट हैं उनके लिए। ये जो पोस्ट है इनके फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो 1 अक्टूबर है और आप लोग जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं अगर एक बार हम इस पर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की डिविजनल कैडल पोस्ट है। आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, यहाँ पे 35 टाइपिंग स्पीड आपको जो है वो चाहिए होती है। इसके अलावा जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है आप लोग देख सकते हैं, टोटल 207 वैकेंसीज जिसके लिए आप लोग अभी अप्रॉक्सीमेट कम्पीट कर रहे थे 10,500 लोग, तकरीबन उतनी ही वैकेंसीज आप लोगों के लिए वापस से जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा। इसके साथ साथ ही अगर बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें शायद आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें आप लोगों का शायद से स्किल टेस्ट ही है, कंफर्म मैं आपको करके बता दूंगा। 71 पोस्ट यहाँ पे स्टेनो की भी रेफर करी गई हैं। इसके अलावा सिस्टम ऑफिसर्स की सिर्फ एक ही है, तो इस पर इतना हम ध्यान नहीं देंगे। और ये आप लोगों के लिए जो है ये वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती हैं फाइनल सिलेक्शन के टाइम। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग यहां पे देख सकते हैं, एज लिमिट भी यहां पे दी गई है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने मेहनत करी है तो आप लोगों के लिए ये एक रिटर्न गिफ्ट ही आप समझ लो, कि या फिर इसको एक साइन समझ लो जो ऊपर वाला आपको दे रहा है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चों को मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर अगर अच्छा नहीं हो पाया तो आप लोगों के सामने 207 वैकेंसीज जो हैं वो वापस आ खड़ी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है, जिस मेहनत से इस एग्ज़ाम के लिए कोशिश करी थी उतनी ही शिद्दत से इस एग्ज़ाम के लिए कोशिश करनी है। होगा पता है क्या, देखो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चा यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, लेकिन आप लोगों को बता दूँ पिछले 1.5-2 महीने से आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो आप लोग आज उस पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे एक फ्रेशर या एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है उससे एक बहुत अच्छी लीड लेके खड़े हो। तो आप लोगों को बस मेहनत करनी है, फिर आप लोग हो सकता है कि जो आने वाली नैब तहसीलदार JKPSI पटवारी इनकी वैकेंसीज में जाके बहुत अच्छा करके आओ। ठीक है, तो ये सब आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, तो आप लोगों को ये देना ज़रूरी था। तो आप लोग इसको जो है अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये निराश होने का समय नहीं है, वापस से हथियार उठा के तैयारी करने का समय है, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने करी है उस पर कोई इंसान सवाल नहीं उठा सकता। बाकी सिलेक्शन उतने ही लोगों की होनी है जितनी वैकेंसीज हैं, किसी की मेहनत हो सकता है आपसे ज़्यादा हो, किसी को हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत आपसे ज़्यादा हो। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।